हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मानू के डिफरेंट कोर्सेज में जो सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है काउंसलिंग से पहले, वो किस तरह करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसके बाद आप डेस्कटॉप साइट पे इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब सर्च बार में जाके हम लोग लिखेंगे manuu manu.edu.in और फिर सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब साइट खुलेगा, जब थोड़ा वक्त लगता है साइट खुलने में, खुलने दीजिए, थोड़ा नेट भी स्लो है, थोड़ा वक्त लगता है खुलने में। जी, खुल चुका है। ये कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कुछ गाइडलाइन आता है पॉपअप मैसेज, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा होम पेज साइट का। यहाँ जो राइट साइड में सबसे ऊपर थ्री लाइंस दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा और इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। इसमें जो है नीचे से दूसरा वाला जो एडमिशन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और अब इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन रेगुलर मोड और ऑनलाइन एडमिशन डिस्टेंस मोड। तो हम लोग रेगुलर मोड वाले पे क्लिक करेंगे। ये फिर एक पॉपअप मैसेज आता है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब इस तरह से आ रहा है। इसमें जो है लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शन आ रहा है, एक लॉगिन का और दूसरा रजिस्टर का। तो हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये विंडो खुल के आएगा। तो इसमें लॉगिन में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके सामने आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो आपने दिया है, मोबाइल नंबर, वो ये सारा चीज़ आ जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग इसको देख लेंगे और यहाँ आते हम लोग लेफ्ट साइड में जो ये टैब है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, रेड वाला, रेड फॉन्ट में लिखा हुआ न्यू न्यू करके। तो इसमें जो है हम लोग क्लिक करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आ जाता है, एप्लीकेशन नंबर, कोर्स नेम, रिमार्क्स और एक्शन करना क्या है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। तो हम लोग इस पर अब क्लिक करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। अब आप लोगों को सामने दिखेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो अलग अलग कोर्सेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन जैसे ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का है तो इसमें पहला नंबर तो उर्दू एज आपने लैंग्वेज या मीडियम या मदरसा में पढ़ा है, टेंथ लेवल पे, ट्वेल्थ लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे या उसके इक्विवेलेंट लेवल पे, तो उसका एक सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है, ये सभी बच्चों के लिए। और टेंथ का सर्टिफिकेट भी ये जितना भी ईटी बेस्ड कोर्स हुआ है उसमें मांग रहा है, टेंथ का सर्टिफिकेट, जो कि आप लोग मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप OBC से आते हैं, आपका सिलेक्शन OBC में हुआ है या आपने OBC के थ्रू अप्लाई किया था, तो आप लोगों को OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि आपने जिस स्कूल में या कॉलेज में लास्ट पढ़ा है वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, वो अपलोड करना है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपने लास्ट स्टडी जो जिस स्कूल में किया है वहाँ से आप लोगों को मिलेगा, वो अपलोड करना है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो भी आप लोगों को लास्ट जहाँ स्कूल में पढ़े हैं, अभी स्कूल कॉलेज जहाँ भी, वहाँ से मिलेगा, या बोनाफाइड की जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सारा अपलोड करके शो सक्सेसफुली सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जिस्ट, इस पर क्लिक कर देना है, हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंथ का जो है हमने उर्दू एज ए लैंग्वेज या मीडियम या मदरसा में पढ़ा है उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ फाइल्स पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करके आते हैं यहाँ। यहाँ मैंने एक अलग से फ़ाइल बना लिया था कि इसमें रखना है,
तो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मैंने यहाँ इसमें रखा है, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे क्लिक करके इस फाइल के अंदर मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो इसमें मैं रिज़ल्ट अपलोड करूँगा, और जनरली बच्चे रिज़ल्ट ही अपलोड करते हैं, तो ये मैंने रिज़ल्ट पे क्लिक किया, ये हमें प्रीव्यू दिख रहा है। अब हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड होने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा फिर अपलोड हो जाएगा, थोड़ा वक्त लग रहा है फिर ये अपलोड हो जाएगा। थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए एक पॉपअप मैसेज आ गया, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया। अब अपलोड होने के बाद आप लोगों को यहाँ दिखेगा डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन आएगा एक चेंज का, यानी आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर गलती से कोई और डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया तो यहाँ चेंज पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, और इस सर्टिफिकेट जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया और मैं देख सकता हूँ, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, अब हम लोगों को क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट यानी इसमें भी मार्कशीट अपलोड करना है, तो ये मार्कशीट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड पे क्लिक करूँगा, फिर अपलोड होगा, थोड़ा वक्त लगता है, अपलोड हो रहा है। आप लोग जो है थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ऐसा नहीं कि घबरा के इस विंडो को बंद कर दीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो ये अपलोड हो जाएगा, ये अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज लिखता है, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब यहाँ फिर से देखिए, जिस तरह से इसमें ऑप्शन आ गया था प्रीव्यू और चेंज का, तो यहाँ भी एक ऑप्शन आ गया ये प्रीव्यू और चेंज का। अगर इसमें भी कोई गलती से सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है, यहाँ चेंज पे क्लिक करके उसी तरह से फिर से अपलोड कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ प्रीव्यू में कि सही हमने अपलोड किया, हाँ सही अपलोड किया, ठीक है। अब OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब अपलोड पर क्लिक करते हैं, इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा नहीं ज़्यादा वक्त लग गया, नेट स्लो है काफ़ी, शायद इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। जी डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ये हो गया अपलोड, ठीक है। अपलोड होने के बाद अपने आप ये रिफ़्रेश हो जाता है, रिफ़्रेश होगा यहाँ लिख देगा चेंज का ऑप्शन है, यहाँ फाइल का प्रीव्यू, तो उस पर फाइल पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं सही हमने अपलोड किया है कि नहीं, तो ये हो गया। बैक आ जाते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है अभी, ठीक है, स्कूल से नहीं लिया है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, अगर आपके पास होगा तो अपलोड कर दीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला स्कूल से, मिलता तो कर देता लेकिन अभी नहीं है, आपके पास होता, आपके पास हो तो आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। उसी तरह बोनाफाइड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर आप लोगों के पास हो तो अपलोड कर दीजिएगा। ये सारा करने के बाद ये तीन जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जिसके नीचे लिखता है रेड फॉन्ट से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, इसको आप लोगों को अपलोड करना ही होगा अभी, और बाकी का सर्टिफिकेट जो है आप लोग 31 अक्टूबर से पहले सबमिट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ शो सक्सेसफुली सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जिस्ट पर क्लिक करूँगा। ये कह रहा है कि ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, याद रखिए कि आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा एडमिशन के टाइम में। हम ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन, यहाँ देखिए आप लोगों को लिख दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021-22 सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ये उर्दू सर्टिफिकेट, टेंथ सर्टिफिकेट, OBC NCL सेंट्रल लिस्ट, ये आ गया। तो ये हमारा हो चुका है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं वापस डॉक्यूमेंट अपलोडेड सेक्शन में जाके देखते हैं,
अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो अभी भी आप जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी यानी सक्सेसफुली आप लोग सबमिट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो जाए, अगर हो भी जाए तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मानू एडमिशन 2021 से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।